हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ खोए वाली कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम बची हुई बर्फ़ी से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खोए वाली आइसक्रीम बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध ले लिया, कटे हुए बादाम और पिस्ता ले लिए, इलायची पाउडर ले लिया, खोए वाली बर्फ़ी ले ली है, आप चाहे तो खोया भी ले सकते हैं, और 100 ग्राम चीनी ले ली है। सबसे पहले हम पैन में 1 लीटर दूध डाल देंगे, इसे हम गरम कर लेंगे। अभी दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब दूध में उबाल आ गया है, गैस को हम थोड़ा स्लो करके इसमें हम 100 ग्राम चीनी डाल देंगे। इसे हम साथ साथ हिलाते रहेंगे और साथ में ये जो मलाई है इसे भी हम उतारते रहेंगे। अब दूध को हम हाई फ्लेम पर ठीक होने तक पकाएंगे। दूध अगर बाहर आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे कभी कम और कभी तेज़ करके इसे पका लें। अभी दूध थोड़ा सा पक चुका है, इसमें हम बर्फ़ी डाल देंगे। ये हमने थोड़ी सी मैश कर ली है। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़े से पिस्ता और बादाम डाल देंगे और बाकी हम थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए। इसे हम थोड़ा थिक होने तक पका लेंगे। अब ये दूध काफ़ी थिक हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मोल्ड में निकाल लेते हैं। ये हमने छोटा गिलास ले लिया है, इसे हम इसमें रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी में भी फिल कर लेंगे। बाकी का मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास छोटे छोटे कप्स हैं, आप चाहे तो किसी में भी डाल सकते हैं जमाने के लिए। आइसक्रीम के मिक्सचर को हमने मोल्ड्स में डाल दिए हैं, अब हम इसे कवर कर देंगे। इनको हम फॉइल पेपर से कवर कर देते हैं, इससे इसमें आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। अब इसे हमने कवर कर दिया है, इसे हम फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इसे हम ओवरनाइट फ्रीज करेंगे। आइसक्रीम को फ्रीज कर लिया है, अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब ये एकदम जम चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसको हम ये देखिए, इसे हम प्लेट में डाल देते हैं। इसी तरह से हम दूसरे भी निकाल लेते हैं। इसमें नाइफ से शेक करके इसमें हम स्टिक लगा देंगे और फिर पानी में डाल देते हैं। इसके ऊपर हम पिस्ता और बादाम डाल देंगे जो हमने बचा लिए थे।
और इसे हम ऐसे ही स्पून से भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।